लाइक अ बर्निंग पीस ऑफ पेपर, इससे पहले वो जलकर राख हो जाए क्यों ना हम इसे दिल खोलकर जी लें। तो यही थॉट मन में रखते हुए हम कजिन्स ने ये सोचा कि क्यों ना एक ट्रिप प्लान की जाए जिसमें घर का कोई बड़ा नहीं जाएगा और जाएंगे तो हम सिर्फ कजिन्स। तो आप लोग इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा बिकॉज यू ऑल विल बी एंजॉयिंग द होल व्लॉग, इट्स माय गारंटी। प्लान तो बन चुका था बट वी वर थिंकिंग अबाउट कि इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए क्योंकि घर से परमिशन लेना हम सबके लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम सब ने अपना दिमाग लाया और सोचा कि कोई ऐसी जगह डिसाइड करते हैं जहाँ के लिए हमारे पेरेंट्स मना करने पर एटलीस्ट एक दो बार तो सोचे ही और थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाने के बाद हमें परमिशन मिल जाए। बट इट वॉज टोटली सरप्राइजिंग फॉर अस कि हमने अपने घर पर सिर्फ एक बार पूछा, मात्र एक बार, और उस एक बार में ही हमें परमिशन मिल गई। तो एक महीने का वेट करने के बाद वो दिन आ ही गया था जिस दिन हम सब जाने वाले थे, मतलब ट्रिप पर। पैकिंग तो एक दिन जाने से पहले हो चुकी थी, अब तैयारियां जो चल रही थी वो थी गेट पूजा की, आई मीन खाने पीने की। खाना लिटरली इतने लार्ज अमाउंट में बन रहा था कि गैस स्टोव हमें किचन से हटाकर बाहर रखना पड़ा क्योंकि शायद मेरी मम्मी ये भूल चुकी थी कि खाना सिर्फ हमें खाना है, भंडारा नहीं करना है। अब आप लोग देखकर ये बोलोगे कि लड़कियों के हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो भाई काम कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सोच रहे हैं, और अगर ना मानो तो देख लो। तैयारियों के बाद और हमारे खुद के तैयार होने के बाद मेरी मम्मी खिलाती हैं सबको दही चीनी क्योंकि घर से बाहर निकलने से पहले इसे खाना शुभ माना जाता है। देन हम लोग लेते हैं बड़ों का आशीर्वाद और चल देते हैं स्टेशन के लिए। सब तो ठीक लग रहे थे, आई मीन नॉर्मल लग रहे थे, बट यहाँ पर मेरे छोटे भाई को देख लूँ जिसने कौन सा रूप धारण कर रखा है पता नहीं। स्टेशन पर करते हैं हम लोग अपनी ट्रेन का इंतजार और थोड़ी देर बाद आ जाती है हमारी ट्रेन जहाँ से हम लोग चल देते हैं आगरा की। ट्रेन में बैठते ही और ट्रेन में मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं आगरा स्टेशन। लाइन आगरा स्टेशन पर उतार रहा था जिसके चलते स्टेशन पर एक दो ही लोग दिख रहे थे और वो भी थोड़ी देर में गायब हो गए थे। तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और फिर क्या हम शुरू हो जाते हैं जहाँ पर मिलते हैं हम जैकलिन फर्नांडिस 108वीं कॉपी से। और फिर हम रिक्रिएट करते हैं ये मीम। स्टेशन पर थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे चल देते हैं आगरा फोर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग पीते हैं चाय और सबसे मेन काम होता है जो हमारा वो होता है कंट्री करना क्योंकि बाद में हम लोग पैसों को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते थे। दिन चाय पीने के बाद हम लोग चल देते हैं आगरा फोर्ट के लिए। गाइस बंद है तो अभी हम क्या करेंगे? फोटो खिंचाएंगे। एक्चुअली तब तक हम करने वाले हैं ये फोटोशूट। यस ब्रो, डन। इसने जिम्मेदारी उठा रखी है ये दारू बैग्स कलेक्ट करने के लिए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते फोर्ट हम लोग 5:30 या 6 के बीच गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सा सनराइज देखा। अब आगरा फोर्ट में हमने कोई भी गाइड नहीं लिया था, क्या मतलब हमारे पास सबसे सस्ता और किफायती गाइड था। लेकिन हम तो अपनी आदत से मजबूर है, पूछेंगे तो वही क्वेश्चन जिनमें से सेंस गायब होगा। पहले एसी कैसे लगती थी? एक दो, ये कैसे लग गए? वहाँ घूमते घूमते हमें कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ गई तो हम वो निभाने लगे, जिनमें से एक थी ये स्पोर्ट के अंदर बने हुए कमरों की नॉइज प्रूफ क्वालिटी चेक करना। बढ़ते ही
मुझे दिखी ये सुंदर सी अनारकली, जिनको पिछली वाली से कंपेयर किया जाए तो 19-20 का ही फर्क निकलेगा। 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क है? एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर आते ही हमें दिखता है ये सुंदर सा ताजमहल, जिसको देखकर मेरी छोटी बहन रिएक्शन वॉज लाइक ओह माय गॉड, पिंक कलर का ताजमहल। आगे चलते ही हमें दिखता है एक कुआं, जिसको देखकर हम अपना फिर से टैलेंट दिखाने लगते हैं। देनी सागरा फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चल देते हैं ताजमहल के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ से जाने से पहले आप लोग कुछ हिस्टोरिकल बातें जान लो जो कि सिर्फ हमारे राजा जी ने जब कहा था हाँ मारो, तो उस हिसाब से सब लोगों ने उस रानी मारो कर दिया। ओ पिए जल पानी आप पी सकते हैं यहाँ पे। इधर आइए, इधर जल्दी आइए। हमारे राजा बेगम आलम जाम बिल आलम। अबे साले, देनागरा फोर्ट से हम लोग आ जाते हैं ताजमहल, जहाँ पहुँचते ही वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया स्वेप्ट होगा, क्योंकि इस प्लेस को मैंने अपनी स्कूल लाइफ के फर्स्ट टूर में अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट किया था। अब ताजमहल एक ऐसी जगह है जहाँ पर फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते हैं, उनको देखकर कुछ भी अजम्पशन बना रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने देखी होगी मूवी कभी खुशी कभी गम, और जिंदगी में कभी फन नहीं होना चाहिए कम। क्या मतलब, मैंने ये शायरी जो स्टॉक वाले बच्चे से इंस्पायर होकर बोली है। ये चश्मा इसका महंगा है, हम लोग तो खरीद नहीं सकते, इसका छोटा है, महंगा है, चड्डा थोड़ा छोटा पहनना चाहिए, थोड़ा से नीचे पहनना चाहिए, इसके टैटू जो दिख रहे हैं ना एकदम भावकाली लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा चड्डा छोटा है। इतना बुरा हूं मैं मां, फोन में फोटोज तो सबके पास होती हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों फोटोज की हार्ड कॉपी ही निकलवा ली जाए। पर आप लोग देख सकते हो ये ऐतिहासिक पोज का ताजमहल के बाद आविष्कार हुआ, और भाई मैं इस बात की 100% गारंटी लेती हूँ कि शाहजहां आज जिंदा होता तो ताजमहल के बनाने वाले कारीगर से पहले ऐसे पोज बनाने वालों के हाथ काटता। देन आगरा से हम लोग चल देते हैं मथुरा के लिए वाया बस, और बस में एक अंकल जोड़ों के दर्द का ऑयल बेचते हैं। फिलहाल अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, बट कंसंट्रेशन लेवल तो देखो इन लोगों का। देन मथुरा पहुंचकर हम लोग सबसे पहले लेते हैं रूम, और फिर बनाते हैं हॉस्टल इंस्पायर्ड कैटल वाली मेक, और फिर उसी शाम हम लोग चल देते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की दर्शन के लिए, जिसके अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो अंदर के क्लिप्स नहीं है मेरे पास। दिन दर्शन करने के बाद हम लोग पीते हैं लस्सी और आ जाते हैं रूम पर, जहाँ पहुंचकर हम लोग खेलते हैं एक गेम जिसका नाम था दमशराज, बट इन लोगों की वाहियात एक्टिंग देखकर इस गेम का नाम दमशराज नहीं बल्कि डमशराज रखने वाला है। नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह हम लोग हो जाते हैं तैयार, तैयार होकर मेरी दीदी बनाती है केटल में चाय, जो कि लिटरली बहुत ही टेस्टी होती है, ऐसी चाय तो वो तो घर पे नहीं बनाती। दिन चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट टेम्पल के दर्शन करने के लिए। अब हम सब साथ चल रहे थे तो शांति से तो चलेंगे नहीं, तो आप सबकी खिदमत में पेश है ये इंस्टा रील इंस्पायर्ड लोकप्रिय गीत। तो ऐसे ही गुनगुनाते हुए हम लोग आ जाते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए। दिन वहां से हम लोग आ जाते हैं विश्राम घाट पर, जहां का माहौल देखकर मेरे भाई के अंदर का सुनील शेट्टी लग जाता है। फेमस रूपा कचौरी की कचौरियाँ लेकर आ जाते हैं रूम पर, जिसको हम लोग इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, और फिर शाम में हम लोग चल देते हैं वृंदावन के लिए। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर की टाइमिंग हमें नहीं पता थी, तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें 1 घंटा नेट वेट करना पड़ा, प्लस वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, आपको चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भीड़ आपको अपने आप खुद ले जाएगी। दिन बांके बिहारी मंदिर से हम लोग आ जाते हैं निधिवन, और फिर निधिवन से आ जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर घूमने के बाद हम लोग चल देते हैं मथुरा के लिए, और रूम पर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग करते हैं चेंज, फिर हम लोग चल देते हैं खाने की तलाश में, क्योंकि मथुरा पहुंचने में हमें थोड़ी सी देरी हो गई थी, ऑलमोस्ट 60% रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, तो ऐसे में जो भी हमें पास में ढाबा दिखता है हम उसी में खाना खा लेते हैं। दिन खाने के बाद हम लोग खाते हैं आइसक्रीम, और फिर टहलते टहलते हम लोग पहुंच जाते हैं अपने रूम। दिन नेक्स्ट डे होता है हमारी ट्रिप का लास्ट डे, तो उस दिन हमें चेकआउट करना हो, लेकिन चेकआउट से पहले इनकी हरकतें देख लो।
हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो कि अपनी फोन की बैटरी बैकअप से परेशान है। और हमारे ग्रुप में ये महाशय है। रात में कितना था? 33। और अभी कितना हुआ है? 35। दिन चेकआउट करके और लगेज सबमिट करने के बाद हम लोग चल देते हैं गोवर्धन के दर्शन के, और उसके दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं लाडली जी मंदिर, जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था। देन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से ऑटो में और चल देते हैं कीर्ति मंदिर के लिए, और कीर्ति मंदिर तो वाकई में बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देन कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं प्राचीन श्री राधा गोविंद मंदिर, और उसी के जस्ट सामने बना हुआ था प्रेम सरोवर कुंड, हम लोग वो भी विजिट करते हैं। तो जितने भी मंदिर दो दिनों में विजिट किए जा सकते थे हमने उतने विजिट किए, और फिर हम लोग आ जाते हैं वहां से श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम की थी तो वहीं पर हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत अपना ऐसे कुछ टाइम पास होने वाली थी, फिर से नहीं हो पाया। फिर से नहीं। चीटिंग करता है। दिन शाम होते ही अपने पेट में कूद रहे चूहों को कुछ खाकर करते हैं शांत और करते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग। दिन लगेज लेने के बाद बड़ी ही शांतिपूर्वक हम लोग चल देते हैं स्टेशन के लिए। अभी भी हमारी ट्रेन को आने में थोड़ा बहुत टाइम था, तो उस ट्रिप के बचे हुए कुछ लास्ट मोमेंट्स को हम लोग कुछ ऐसे एंजॉय करते हैं। आते ही हम लोग हो जाते हैं सेटल डाउन। थोड़ी बहुत गपशप करने के बाद हम सब अपनी अपनी सीट पर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद हम सब बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। देन मथुरा टू आ जाते हैं हम उन्नाव, एंड यस दैट्स हाउ वी कम टू एंड ऑफ आवर ट्रिप, जो कि बहुत ही मजेदार, अमेजिंग, फुल ऑफ फन एंड बजट फ्रेंडली थी। अब ट्रिप तो खत्म हो चुकी थी लेकिन मस्ती अभी भी कंटिन्यू थी, क्योंकि हमारे कजिन्स नेक्स्ट डे अपने घर जाने वाले थे। तो शाम में हम लोग चल देते हैं पिज्जा केव, क्योंकि हमें पिज्जा खाने की बहुत ही ज्यादा क्रेविंग हो रही थी, और इसकी पार्टी हमारी दीदी जी देने वाली थी, और ये रहे पिज्जा के नशे करने के बाद के साइड इफेक्ट्स। देन वहां से घर आने के बाद घर पे ही होती है हमारी डीजे नाइट। सो यस दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट कजिन ट्रिप, जो कि जिंदगी भर हमें याद रहने वाली है, एंड वी ऑल गोना मिस ऑल दीज मोमेंट्स।